नमस्कार। कुछ अर्सा पहले डॉक्टर एस वाई कुरैशी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुझे बता रहे थे कि किस तरह 120 करोड़ के इतने लंबे चौड़े देश में इलेक्शन कमीशन का कुल स्टाफ सिर्फ 300 के करीब है। ये इलेक्शन कमीशन का इकबाल है जो इतना बुलंद है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले से चुनाव के दौरान लाखों की तादाद में पैरामिलिट्री फोर्सेज देश के अलग अलग हिस्से में आती जाती है। ब्यूरोक्रेसी चुनाव आयोग के तहत आ जाती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर बन जाते हैं। लेकिन इस दफे इलेक्शन कमीशन के इस इकबाल पर चोट करने का काम सरकार कर रही है। न सिर्फ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ने की बात है बल्कि ऐसे संकेत भी दिए हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इलेक्शन कमीशन के दायरे से बाहर किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन अगर चाहे तो सख्त कार्रवाई कर सकता है लेकिन कमीशन फिलहाल खामोश है। It was agreed that once the elections are over, there will be an all-party consultation on issues about electoral reform, many of which are being pushed by the Election Commission itself. This possibly cannot be any government disposition at this point in time, because we have not even considered the proposal. सरकार की तरफ से दो-दो बड़े मंत्रियों को सफाई देनी पड़ रही है। इसी से लगता है कि कांग्रेस और इलेक्शन कमीशन में विवाद। सरकार की तरफ से सफाई का सिलसिला इस खबर के बाद शुरू हुआ है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा देने की कोशिश हो रही है लेकिन सरकार कह रही है कि ये मुद्दा उसके एजेंडे में नहीं है। सरकार ने इतना जरूर साफ कर दिया कि ये मुद्दा चुनाव सुधारों को लेकर चल रही एक बड़ी बहस का हिस्सा जरूर है लेकिन लगता ऐसा है कि कांग्रेस के तीन बड़े नेताओं सलमान खुर्शीद फिर बेनी प्रसाद वर्मा और अब राहुल गांधी पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ने के मामले से केंद्र सरकार तिलमिला गई है। हो सकता है कि इसलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा देने की बात हो रही हो लेकिन इसके कई नुकसान हैं। नेताओं पर लगाम लगाने की चुनाव आयोग की ताकत बहुत कमजोर हो जाएगी और इस तरह के मामलों का निपटारा कोर्ट ही में होगा। ऐसे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर एस वाई कुरैशी के गुस्से को गलत नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा है कि कोर्ट में इस तरह के मामले के निपटारे में सालों लगेंगे और तब तक नेताओं को खुली छूट रहेगी। लेकिन कुरैशी साहब के सिर्फ गुस्सा दिखाने से काम नहीं चलेगा। इलेक्शन कमीशन के पास अधिकारों की कोई कमी नहीं है। टीएन शेषन और एमएस गिल जैसे लोगों ने इलेक्शन कमीशन को मजबूती दी। इलेक्शन के दौरान कई बार कमीशन ने बड़ी सख्ती की है, बड़े बड़े अफसरों का तबादला किया है लेकिन कुछ मामलों में इलेक्शन कमीशन को शिकायत मिलने पर ही जागने की आदत छोड़नी होगी। उसे खुद भी कुछ करना होगा। केंद्र सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल कल राहुल गांधी के रोड शो के मामले में कानपुर के अफसरों को एफआईआर की चुनौती दे रहे थे। एक छुटभैये नेता की तरह 15 दिन में सरकार बदलने पर आटे दाल का भाव पता चलने की धमकी दे रहे थे। सरकार जिस तरह जुडिशरी से दूर है उसी तरह वो इलेक्शन कमीशन से भी दूर रहे तो वो उसके लिए ही नहीं देश के लिए भी बेहतर होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन चुप है। इलेक्शन कमीशन अपनी ताकत को पहचाने, उसे बढ़ाए, कम ना करे, यही देश के हित में है और यही लोकतंत्र के हित में है। उसे नेताओं के बाहें चढ़ाने से डरना नहीं चाहिए, अपनी बाहें चढ़ानी चाहिए। मेरे बहुत नजदीकी दोस्त पिछले हफ्ते पाकिस्तान से वापस आए, मुझसे बोले कि हम धन्य हैं। मैंने पूछा क्यों? वो बोले कि पाकिस्तान में मेरे दोस्त सैयद हैदर अब्बास रिजवी ताकतवर नेता है। वो मुझे सीधा बिना किसी सिक्योरिटी जांच के नेशनल असेंबली ले गए और मुझे स्पीकर के साथ बिठा दिया। मेरे मोबाइल फोन मेरी जेब में थे, मेरा कैमरा मेरे पास था लेकिन मेरी कोई सिक्योरिटी जांच नहीं हुई। मैंने उन्हें बताया कि हमारे भारत में ऐसा मुमकिन ही नहीं है। हम वाकई धन्य हैं। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी करप्शन के आरोप में जेल की हवा खा चुके हैं। इस वक्त उन्हें इम्यूनिटी मिली हुई है और हमारे यहाँ राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के बेटे राव साहेब शेखावत को इसलिए पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में पेश होना पड़ा क्योंकि उनके नाम से जा रहा 1 करोड़ रुपया पकड़ा गया। हम वाकई धन्य हैं लेकिन हम सही मामले में धन्य तभी होंगे जब ऐसी नौबत भी ना आए। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है लेकिन आज ऐसा हुआ। देश की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के बेटे राव साहब शेखावत को पूछताछ के लिए अमरावती में पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में जाना पड़ा। पूछताछ का सबब बने वो 1 करोड़ रुपए जो 12 फरवरी को एक गाड़ी से बरामद हुए। महाराष्ट्र कांग्रेस ने पुलिस को भेजे जवाब में कहा था कि ये रकम उम्मीदवारों के खर्च के लिए भेजी गई थी और इसे अमरावती के विधायक राव साहब शेखावत को देने के लिए कहा गया था। जांच हो रही है, हो सकता है इस मामले में कुछ भी ना निकले लेकिन ये मामला गंभीर इसलिए है कि इसमें राष्ट्रपति के बेटे का नाम आ रहा है
और जिनका नाम आ रहा है वो पहले भी आरोपों के घेरे में रहे हैं। एक बार वो राष्ट्रपति के डेलीगेशन के साथ विदेश गए। आरोप है कि 17 अप्रैल 2008 को जब डेलीगेशन मेक्सिको में था तो वो निजी कारणों से फ्लोरिडा चले गए। ये प्रोटोकॉल के खिलाफ था कि सरकारी खर्च पर गया कोई शख्स दौरे पर अपना निजी एजेंडा पूरा करे। राष्ट्रपति के परिवार से जुड़े लोगों पर पहले भी आरोप लगे थे, लेकिन ये उस वक्त की बात है जब वो सक्रिय राजनीति में थीं और राजनीति में आरोप लगाना एक सामान्य बात होती है। लेकिन अब वो देश के सबसे बड़े ओहदे पर हैं, राष्ट्रपति हैं। उनके परिवार के किसी भी सदस्य पर लगने वाला आरोप हल्के में नहीं लिया जा सकता। राव साहेब शेखावत जो करते हैं उसमें राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति भवन को सीधे सीधे नहीं जोड़ा जा सकता है, लेकिन वो जो करते हैं उसे राष्ट्रपति के ओहदे पर राष्ट्रपति भवन पर छींटे जरूर उछलते हैं। NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis and much more. Download free. NDTV.com/apps.